आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। रुक करते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी आज काशी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 2100 करोड़ की 21 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 20 लाख परिवारों को पीएम ने घरौनी पत्र जारी किया और 500 करोड़ की लागत के अमूल प्लांट का शिलान्यास भी किया। साथ ही पशुपालकों के खाते में 35.19 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, गाय हमारे लिए पूजनीय है। 2100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, जनता को बड़ी सौगात दी है। लगातार कई दौरे कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार बने हुए हैं। चुनाव का वक्त है और ऐसे में चुनाव के वक्त में लगातार दौरे पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता को सौगातें दी जा रही है सरकार द्वारा और लगातार जो सौगातों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आज काशी में मौजूद रहे, कई दौरे कर चुके हैं काशी के भी। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां जनता को संबोधित किया, काशी में महत्वता बताई, काशी की महत्वता बताई और क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है वो भी बताया। और साथ ही गाय को लेकर भी बात की, क्योंकि पूर्वांचल दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में भी इस चीज का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने आज 500 करोड़ की लागत के अमूल प्लांट का शिलान्यास किया है। तो जनता को कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। काशी में पीएम मोदी खुद आए और उन्होंने सौगातें दी हैं। पशुपालकों के खाते में 35.19 करोड़ के ट्रांसफर भी किए गए रुपए और साथ ही लोगों को घर भी वितरण किया गया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से आज पीएम मोदी ने इतनी बड़ी सौगात दी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है, तो निश्चित रूप से दायित्व भी होता है। उसके साथ साथ चूंकि काशी का संसदीय क्षेत्र है तो उसके पहले भी तमाम हमेशा आते रहते हैं और तमाम तरह की सौगातें आम जनता को देते हैं जी। अगर दौरों की बात करें तो प्रधानमंत्री लगभग 4थी बार उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल आए हैं, जो इनका दौरा लगभग 10 दिनों के अंदर 4थी बार यहाँ रहेगा। 18 तारीख को शाहजहांपुर थे, यहाँ पर शाहजहांपुर में उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे की शुरुआत की थी और शिलान्यास किया था। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री प्रयागराज थे और प्रयागराज में उन्होंने जो स्वयं सहायता समूह है वहाँ पर लगभग 1000 करोड़ की जो रिवॉल्विंग फंड है उनको हस्तांतरित किया था। और साथ ही साथ सुमंगला कन्या योजना के तहत तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही हैं उसके तहत 1,01,000 जो बच्चियाँ हैं, जो कन्या हैं, उनके खाते में सुमंगला योजना के तहत 2000 रुपये का ट्रांसफर किया था उन्होंने। ये इस योजना में उन्होंने जिस तरह से प्रयागराज में कार्यक्रम था, इसके बाद आज प्रधानमंत्री जो काशी में है और काशी में उन्होंने लगभग 2100 करोड़ की जो योजनाएं हैं, जो सौगात है, वो आम जनता को दी। और साथ ही साथ जो पशुपालक सहायता समूह है उनके पे भी खाते में भी एक सहायता राशि, एक अनुदान राशि रिवॉल्विंग फंड में ट्रांसफर किया है, जो बेहतर प्रयास है। और जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है वो मजबूत होता नजर आएगा जी। गौरव, जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर से वाराणसी को जो सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं, वो चाहे सौंदर्यीकरण की हो, विकास की हो, तो क्या लगता है बनारस के सहारे ही वो इस बार उत्तर प्रदेश जीतने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बनारस के बाद अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का हर जो क्षेत्र है वो यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूर्वांचल हो या मध्य क्षेत्र हो या पश्चिम क्षेत्र हो या उत्तर क्षेत्र हो या पूर्व क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब सभी जगह सीटें आई थी। और पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो 156 सीटें वहाँ पर हैं और 156 सीटों में समर्थन जुटाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार की जो अगर बात करें तो लगभग बीजेपी को 120 सीटें वहाँ पर मिली थी, बीजेपी सहयोगी दलों को। तो अगर उस इतिहास को दोहराते हैं तो लगभग मान लीजिए कि चुनाव की आधी लड़ाई हम जीत लेंगे, तो उस इतिहास को दोहराने की तरफ बीजेपी है। और जिस तरह से पश्चिम क्षेत्र में किसान आंदोलन के तहत नुकसान हुआ है, जो वहाँ पर डैमेज हुआ है, उस डैमेज को पूरा करने की कवायद में जो डैमेज वहाँ पर हुआ है, अगर वहाँ पर जो समर्थन खिसका है या नुकसान हुआ है उसको पूर्वांचल से पूरा किया जाए। और जो वहाँ की 156 सीटें हैं वहाँ पर, जो पिछली जो बीजेपी की जो जीत थी लगभग 120 सीटों पर वो और उनके सहयोगी दल जीते थे, उसी जीत को दोहरा कर दोबारा सत्ता में आने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है जी। गौरव, 500 करोड़ की लागत से बने अमूल प्लांट का आज शिलान्यास किया गया है, इससे क्या कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा?
बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही कहा था कि जो आपके उद्यम लगेंगे, उद्यम लगने से एक प्रकार से स्वरोजगार भी बढ़ता है और साथ ही साथ तमाम उन लोगों के लिए काम बढ़ता है जो उस प्लांट से संबंधित होते हैं। देखिए, अमूल प्लांट लगेगा तो जाहिर तौर पर बात है कि वहाँ पर जो दूध वाला के या डेयरी उद्योग वाले लोग हैं, जो दूध जिनके यहाँ भैंसे हैं या डेयरी लगाए हुए हैं, वो उनका जो दूध है वो अमूल प्लांट में जा सकेगा और एक बेहतर उनको जो है कीमत इसकी मिल सकेगी। और साथ ही साथ प्लांट जो लगा लगेगा तो उसमें अगर एक प्लांट लगता है 500 करोड़ के ऊपर का प्लांट है तो करीब करीब कई हजार की संख्या में लोग वहाँ पर रोजगार मिलेगा और जो नौजवान हो, चाहे स्किल्ड हो चाहे नॉन स्किल्ड लोग हो, सभी लोगों के लिए काम रहेगा। तो बेहतर प्रयास यहाँ पर बीजेपी द्वारा किया गया है और सरकार द्वारा एक जो उद्यम लगाने की स्थिति है, क्योंकि निवेश करना भी वो जरूरी है, निवेश से ही आप स्वरोजगार को बढ़ा सकते हैं। कि सरकारी नौकरियाँ उस स्तर पर नहीं बची है, उतनी है नहीं, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, लोग बड़ी संख्या में युवा हैं और वो इस समय ग्रेजुएट और पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, उनके लिए सभी जगह स्किल्ड और तमाम जिस तरह के अगर रोजगार होते हैं तो वो काम आते हैं और उनको अपने क्षेत्र से कहीं पलायन भी नहीं करना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में ही रह के अपनी जीविका चला सकते हैं। जी गौरव, 35.19 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं पशुपालकों के खाते में, तो क्या इससे पशुओं की स्थिति में सुधार होगा या फिर जिस तरह से गौशालाएं बनाई गई लेकिन अभी भी गौवंश बेहाल घूमते हैं, क्या इसी तरह का हाल देखने को मिलेगा? देखिए देखिए, सरकार योजनाएं लाती है पर होता क्या है, उन योजनाओं की समीक्षा नहीं हो पाती है, उनका क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है ये बात नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं हीला बहाली होती है और ये हीला बहाली गवर्नमेंट के स्तर पर नहीं होती है, ये हीला बहाली आधिकारिक स्तर पर होती है। आप देखते हैं हमेशा भी जानकारी मिलती है कि गौपालक जो परेशान है या जो यहाँ गौशाला है वहाँ चारा नहीं है या वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, अलाव की व्यवस्था नहीं है, या वहाँ पर अगर पशु जो है बीमार है तो उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति आधिकारिक स्तर पर होती है। सरकार योजना बनाती है पर सरकार को भी इस तरह ध्यान देना पड़ेगा कि जो योजना है जो गौशाला संबंधित है या पशुपालकों संबंधित है उनका बेहतर क्रियान्वयन हो, साथ ही साथ उन योजनाओं में बेहतर समीक्षा भी हो, कितनी योजनाएं चल रही हैं, कितना निस्तारण हुआ है, क्या चीज़ें समस्या है, अगर कोई समस्या आती है उसका निस्तारण भी जरूरी है और समय समय पर उसकी समीक्षा होना जरूरी है, इसके जो भी योजना है उनका बेहतर क्रियान्वयन हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, गौ माता को पूजनीय बताया है, तो जनता का आशीर्वाद साथ लेके चल रहे हैं लगातार वाराणसी के जरिए, इस बार भी चुनाव विजय करने की कोशिश में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद की घोटाले के मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। योगी सरकार ने अयोध्या में जमीन खरीद की जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया गया और अब दलितों की जमीन को हड़पा जा रहा है। प्रियंका ने जिला स्तर के अधिकारी को जांच किए जाने के सवाल पर भी बात कही और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। तो निगरानी में जांच की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाना चाहती हैं जांच। आपको बता दें कि अयोध्या का मुद्दा अब उठाया है। उन्होंने कहा कि महंगे दामों पर खरीदी गई है जमीन, सही दामों पर नहीं खरीदी गई है, इस तरह का आरोप लगाया गया है प्रियंका के द्वारा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद के घोटाले को अब तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है और योगी सरकार ने अयोध्या में जमीन खरीद की जांच के आदेश भी दिए हैं, तो कांग्रेस भी अब इस पे हमलावर हो गई है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जो ये विवाद चल रहा है आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसके माध्यम से उन्होंने तमाम सवालों को रखा कि आखिर अयोध्या की जो जन्मभूमि में जो ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है वो किस तरह से खरीदी है और क्या उसमें कौन कौन से तमाम घोटालों का आरोप लगाया है। उसमें उन्होंने बताया कि जो जमीन खरीदने वाले हैं तो वही जांच भी कर रहे हैं जमीन घोटाले की। आपको बता दें कि ये जमीन जो है ये अयोध्या में जितनी जमीन खरीद की गई है इसमें भाजपा नेता मेयर और वहाँ के अफसरों ने अपने नाम पे खरीदी है। आपको बता दें कि वहाँ दलितों की जमीन थी जिसको अपने विश्वसनीय दलितों के नाम वो जमीन पहले बेची जाती है, फिर ट्रस्ट के नाम पे उसे दान दिया जाता है, फिर ट्रस्ट उस जमीन को उन अफसरों ने आरोप ये लगाया गया कि ट्रस्ट में जब वो जमीन डोनेट कर दी जाती है, दान की जाती है, उसके बाद वो जमीन अफसर खरीद लेते हैं और उसी दौरान अयोध्या के डीएम वह अनु
जो कि अनूप का एक बयान आ रहा है, जो अयोध्या के पूर्व डीएम रह चुके हैं, कि मैंने जमीन खरीदी है और मेरे पिता का आस्था था राम नगरी में रहना, तो इसलिए मैंने जमीन खरीदी है। जी, जिस तरह से अभी पहले मंदिर के चंदे को लेकर भी घोटाले की बात कही जा रही थी, अब जमीन घोटाले की बात चल रही है, तो राम मंदिर का मुद्दा ही सुलझता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा विभांशु? जी, आपको बता दें कि ये जमीन जो मुद्दा आज उठाया गया है, ये मुद्दा लगभग 2 महीने पहले भी ये चर्चाओं में आया था कि जमीन घोटाले हुए हैं और चंदे को लेकर भी प्रियंका गांधी ने बोला है कि कैसे लोग अपनी गाड़ी कमाई को राम मंदिर निर्माण में दान दिए और उस पैसे का कैसे बंदरबाज किया गया है जमीन की खरीदारी में। और आपको बता दें कि इस दौरान आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे उनका कहना था कि दलितों को जमीन खरीद कर अपने विश्वसनीय दलितों के नाम किया गया और ट्रस्ट को दिया गया और ट्रस्ट ने इन्हें लोगों को बेचा। आपको बता दें कि और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ की जमीन जो कि रजिस्ट्री होती है, उसी के ठीक 10 मिनट बाद उस जमीन का रेट बढ़ के 18 करोड़ हो जाता है। इन्हीं सब सवालों के साथ उन्हें तत्कालीन सरकार को घेरा है और इसी दौरान वो साफ तौर पे प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राम मंदिर निर्माण के दौरान जो श्रद्धालु है उनकी आस्था पे चोट है, उनके पैसों का बंदोबस्त किया गया है। जी विभांशु, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है प्रियंका गांधी, तो क्या ये संभव हो सकेगा? जी, अब इस मामले को धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, विपक्षी पार्टियां इस पे बोलती जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये सवाल उठे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अयोध्या का मुद्दा उठाया है और साथ ही इसमें घोटाले की बात कही है। उन्होंने कहा कि सही दाम पे जमीन नहीं खरीदी गई। रुक करते अगली खबर की तरफ। लुधियाना की एक अदालत में आज ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 शख्स की मौत हुई और 4 लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट लुधियाना जिला कोर्ट के परिसर की दूसरी मंजिल के वॉशरूम में हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसे उच्च तीव्रता वाला ब्लास्ट बताया जा रहा है। कोर्ट रूम में जो रीडर्स के कमरे होते हैं उसके करीब वॉशरूम था जहां ब्लास्ट हुआ है। इस घटना में 1 शख्स की मौत की पुष्टि भी की गई थी। उसके बाद जो है इसे बढ़ाया गया इसकी संख्या को। बता दें कि जिस वक्त यह धमाका हुआ कोर्ट परिसर में वकीलों समेत काफी लोग मौजूद थे। हालांकि वकीलों की हड़ताल के चलते भीड़ कम थी। ब्लास्ट के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि नीचे की मंजिल के शीशे तक टूट गए। तस्वीरें देख सकते हैं आप कितना भयंकर ब्लास्ट हुआ है और इमारत का क्या हाल है, जिसके बाद पूरे परिसर में हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया। तस्वीरें देख सकते हैं आप कितनी तेज ये धमाका हुआ है। तो धमाके में 2 की मौत और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या वजह बताई जा रही है इस ब्लास्ट के पीछे, किस तरह का बम बताया जा रहा है? देखिए, ब्लास्ट की वजह क्या थी, किस तरह का यहाँ पर विस्फोटक उपयोग किया गया था, वो अभी बात साफ नहीं है। हालांकि NIA और NSG की टीम वहाँ पहुँच रही है, वो जाँच करेंगे और कुछ ही देर में माना जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये पिका की साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ है, 2 लोग मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं, तो ये साजिश की तरह ही कहा गया। कि इससे पहले भी आप लगातार हम देख रहे हैं कि कोर्ट परिसर में विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं कि जहाँ पर कोर्ट में घटनाएँ हुई हैं, चाहे विस्फोट की बात करें या कोई काउंटर की बात करें, तो तमाम तरह की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। और उन्होंने भी कहा है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री चंद्र सिंह चन्नी, उन्होंने कहा है कि ये साजिश है। हालांकि NIA की NSG टीम वहाँ पहुँच रही है और वहाँ पर जानकारी इकट्ठ करेगी और तभी साफ हो सकेगा कि इसमें किस तरह का विस्फोटक रहा है और कौन इस विस्फोट के लिए उत्तरदायी रहा है। फिलहाल इस विस्फोट में मरने वालों की संख्या वो 2 है, लगभग 5-6 लोग घायल हुए हैं। जो पंजाब जो आपके लुधियाना जिला परिसर है उसकी दूसरी मंजिल पर जो कोर्ट है उस पर दूसरी मंजिल पर धमाका हुआ है और धमाका बहुत तीव्र था, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर हताहत भी हुए हैं। हालांकि गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं वो केवल 5 हैं, क्योंकि वहाँ पर वकीलों की हड़ताल थी, इसलिए वहाँ पर वकीलों का हुजूम नहीं था। किसी ज्यादा लोगों की यहाँ पर हताहत होने की सूचना नहीं है, पर निश्चित रूप से बड़ी साजिश माना सकता है जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है। फिलहाल जब जांच होगी तब साफ हो सकेगा कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं और किस तरह का विस्फोटक यहाँ उपयोग किया गया और किसके द्वारा साजिश की गई थी। गौरव, क्या यहाँ पे सुरक्षा की कमी मान सकते हैं कि सुरक्षा का अभाव था जिसकी वजह से ये घटना हुई?
देखिए तमाम तरह की गाइडलाइंस होती हैं कोर्ट में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, चाहे पंजाब की बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, जितने भी न्यायालय हैं हमेशा गाइडलाइंस होती है, वहाँ पर लगाया जाता है, मेटल डिटेक्टर भी वहाँ लगाया जाता है कि मेटल डिटेक्टर वहाँ लगा रहे और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो पाए, लोग जो भी निकले वो एक जाँच प्रक्रिया के होकर निकल के जाएँ, सबके बैग चेक होने चाहिए। पर जहाँ पर गाइडलाइंस की बात होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि केवल गाइडलाइंस बनाई जाती है, प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और इसकी खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और हालांकि घटना के तुरंत बाद सरकारें बोलती है, प्रशासन बोलता है कि हाँ ये नियम बनाएगी, गाइडलाइंस बनाई जाएगी, उस पर काम होगा, पर होता क्या है जब धीरे धीरे वक्त बीतता है उसके बाद लोग घटना को भूल जाते हैं और फिर वही धरना चलता रहता है और जिसका खामियाजा फिर हमको भुगतना पड़ता है, जिसका यहाँ भुगतना पड़ा है, दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, 5-6 लोग इसमें घायल भी है और घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो गाइडलाइंस कोर्ट परिसर को लेकर बनाई जाती हैं उनका फॉलो होना चाहिए और हर एक आदमी जो भी वहां से कोर्ट परिसर में एंट्री कर रहा है या जा रहा है उसकी जांच होना एक बहुत आवश्यक है, चाहे वो वकील हो, चाहे वादी हो, चाहे प्रतिवादी हो। जी गौरव, जो घायल और मृतक है उनके बारे में क्या जानकारी मिली है, क्या वो वहां पे मौजूद आम लोग थे या फिर जो है वकील थे? देखिए वहां पर जो अभी जानकारी है, जो हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं वो अधिकांश वकील हैं और इसके साथ जो जो हाँ मृत हैं उनका अभी डाटा निकाला जा रहा है, हालांकि जानकारी साफ नहीं हो पाई है, पर माना जा रहा है कि वो बादी हैं क्योंकि उनकी जो ड्रेस है वो सिविल ड्रेस है, नॉर्मल ड्रेस में वहाँ पर मौजूद है, तो अगर वकील होते तो अमूमन माना जाता है कि कोट पहने होते हैं और इसे स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो नागरिक हैं जो वहाँ पर हताहत हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, वो वकील है या वादी है, पटवारी के तौर पर न्यायालय में आए हुए थे। पर यह बात साफ है कि जब तक हम न्यायालय परिसर में जो जाँच व्यवस्था के तहत लोगों की एंट्री नहीं कराएंगे, उनका आवागमन निश्चित नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हालांकि घटना पर क्या हुआ, क्या साजिश है, क्या हुआ, किस तरह का विस्फोटक उपयोग किया गया, ये तो जांच के बाद साफ होगा, पर जिस तरह से हमारी इस पर प्रणाली काम कर रही है उस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो धमाके में 2 लोग की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि लोग तो परिसर में मौजूद थे लेकिन इतनी ज्यादा आम दिनों की तरह लोग मौजूद नहीं थे क्योंकि वकीलों की हड़ताल चल रही थी जिसकी वजह से भीड़ कम थी। आगरा के पिनाहट क्षेत्र के कस्बा भदरौली के एसआर पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल डलवाने पहुंचे दंपत्ति के साथ सेल्समैन ने जमकर मारपीट की। सेल्समैन के पेट्रोल कम डालने पर युवक ने उसका विरोध किया था जिसके बाद सेल्समैन ने युवक को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद पति को बचाने आई गर्भवती पत्नी को भी जमकर सेल्समैन ने पीटा, जिसकी शिकायत करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। साथ पेट्रोल पंप में मारपीट की गई है पेट्रोल कम डालने की वजह से। मैंने अंदर जाके बोला था मेरे पेट्रोल कम डाली है, तो फिर अंदर वालों ने भी मिलके और पेट्रोल पंप दोनों ने मिलके मेरी मारपीट की है। मेरे साथ पेट्रोल पंप में मारपीट की गई है पेट्रोल कम डालने की वजह से। मैंने अंदर जाके बोला था मेरे पेट्रोल कम डाली है, तो फिर अंदर वालों ने भी मिलके और पेट्रोल पंप दोनों ने मिलके मेरी मारपीट की। तो पेट्रोल पंप की पंप पर ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पेट्रोल चोरी करी जा रही है वहीं इसकी जानकारी देने पर और इसका विरोध करने पर मारपीट की जाती है। तो सेल्समैन द्वारा मारपीट की ये घटना सामने आई है, सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि उसकी गर्भवती पत्नी के साथ भी मारपीट की गई है। आगरा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पेट्रोल पंप पे कम पेट्रोल डालने का विरोध करने पर ये मारपीट की गई है। तो दंपत्ति के साथ मारपीट की गई और व्यक्ति का पीड़ित का बताना है, उसने बताया है कि कम पेट्रोल डालने का जब उसने विरोध किया और पेट्रोल पूरा डालने की मांग की तो उसके बाद सेल्समैन द्वारा उसे जमकर पीटा गया, उसकी पत्नी को भी पीटा गया है, जिसके बाद दंपत्ति ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि ये खबर आगरा के पिनाहट क्षेत्र के कस्बा भदरौली के एसआर पेट्रोल पंप की है। बाइक में पेट्रोल डलवाने जब दंपत्ति पेट्रोल पंप पहुंचे तो सेल्समैन ने उनके साथ मारपीट की है और मारपीट की वजह ये सामने आ रही है कि पेट्रोल कम डाला गया था गाड़ी में। तो पेट्रोल जब कम डाला जा रहा था, पूरा पेट्रोल डालने की बात कही गई, तो उसका विरोध जब किया गया तो पेट्रोल पंप पे जो सेल्समैन था उसने मारपीट करनी शुरू कर दी और पीड़ित ने भी इस बात को बताया है कि पेट्रोल कम डालने का विरोध करने के बाद ये मारपीट की गई है।
और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, पेट्रोल की चोरी का मामला क्या लगभग ये पहली बार आया या हमेशा आता रहता है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो मामला आया है अक्सर आता जाता रहता है, लेकिन इस बार ये जो जो मामला है ये काफी तूल पकड़ गया है, क्योंकि जो जो पेट्रोल के कर्मचारी थे जहाँ पेट्रोल पंप के, उन लोगों ने जो एक महिला थी उसके भी साथ मारपीट की है। जी जी, तो मारपीट करने के बाद पेट्रोल पंप के मालिक का क्या कहना है इस मामले पे? जी बिल्कुल, जो पेट्रोल पंप का जो मालिक था वो पहले से ही फरार हो चुका है वहाँ, जहाँ मारपीट उसके साथ जो पेट्रोल लेने जो ग्राहक था, ग्राहक के साथ जहाँ पेट्रोल की जो शिकायत की गई थी कि पेट्रोल कम दिया जा रहा है, तो उसको लेकर के साफ तौर से वहाँ से जब पुलिस फोर्स को पुलिस के लिए जब सूचना दी गई तो वहाँ से मालिक मौके से फरार हो गया। जी जी, तो पुलिस ने अब इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह पुलिस का जो जब हम बात करें तो पुलिस के द्वारा जो पीड़ित जो ग्राहक है उसके द्वारा तहरीर दे दी गई है और उसके बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई की बात कही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।